हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। मेरा नाम है मंजीत। सो आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल एंड एक परफेक्ट गार्ड ऑफ ब्रीड के बारे में, जो है रॉटवाइलर। सो फ्रेंड्स, रॉटवाइलर का नेचर आप में से हर कोई जानता होगा कि इनमें से कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो थोड़े अग्रेसिव होते हैं और कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो सभी के साथ काफी फ्रेंडली तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है ओनर्स के ऊपर कि वो अपने डॉग्स को अपना कितना टाइम दे पाते हैं, उन्हें कैसे सोशलाइज और ट्रेन करते हैं, और उसी के बिहाफ पे डॉग्स का टेम्परामेंट होता है। वैसे मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि रॉटवाइलर फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए नहीं होते, बट भाई ऐसा कहां पर लिखा है कि फर्स्ट टाइम ओनर्स इसे परचेज नहीं कर सकते। मैंने बहुत से ऐसे फर्स्ट टाइम ओनर्स देखे हैं जिनके पास रॉटवाइलर है और उन्होंने अपने रॉटवाइलर को बहुत ही अच्छे तरीके से सोशलाइज कर रखा है, तो वो सभी के साथ काफी फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। और अगर इस रॉटवाइलर के नेचर के बारे में बात करें तो ओनर ने मुझे बताया कि इसका टेम्परामेंट बहुत ही शांत है, ये सभी के साथ काफी फ्रेंडली तरीके से रह सकता है। बाकी फ्रेंड्स, मैं हमेशा आप लोगों को ये प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप लोग किसी भी एडल्ट डॉग को परचेज करो तो उसका नेचर आप लोगों को खुद ही जाकर देखना चाहिए कि वो अग्रेसिव है या फिर फ्रेंडली, क्योंकि जब हम लोग एक छोटे पपी को परचेज करते हैं तो हमें बचपन से ही पता होता है कि इसका टेम्परामेंट कैसा है, और डॉग को भी पता होता है कि हमारी फैमिली है तो वो उसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करता। लेकिन एडल्ट डॉग को परचेज करते टाइम थोड़ी बहुत कंफ्यूजन माइंड में रहती है। वैसे फ्रेंड्स, ओनर ने इस डॉग की सभी वैक्सीनेशन और डिफॉर्मिंग कंप्लीट करा रखी है, और जब आप लोग इसे परचेज करोगे तो साथ में आप लोगों को इसका वैक्सीनेशन कार्ड भी मिल जाएगा। बाकी डॉग की क्वालिटी भी काफी अच्छी है और ओनर ने मुझे बताया कि मैटिंग भी बहुत ही अच्छे से करता है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप लोग एक ऐसा डॉग परचेज करना चाहते हैं जिसे परचेज करने के बाद उस पे आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड ना करने पड़े, तो रॉटवाइलर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह बात करते हैं हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है उपेन बैसला गरी सबलू, सेकंड है रोहित कुमार, एंड थर्ड है ट्रिगर गेमिंग। तो फ्रेंड्स, अगर इस रॉटवाइलर की एज के बारे में बात करें तो ये डॉग 11 मंथ्स का हो चुका है एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है लुधियाना पंजाब से। गाइस, डिलीवरी में आप लोगों को कोई ऑप्शंस नहीं मिल पाते। अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप लोगों को ओनर के पास विजिट करके इसे परचेज करना होगा। और प्राइसिंग की बात करें तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 14,000 रुपीस, यानी 14,000 रुपए। लेकिन डोंट वरी, ये प्राइस नेगोशिएबल है, इसमें आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। एटलीस्ट एक बार आप लोगों को डॉग ओनर से डिस्कस जरूर करना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आप लोग भी अपने डॉग को सेल या उसे फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं तो प्लीज अपने डॉग की फोटो वीडियोस और उनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी ही मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।